Hey guys, कैसे हो आप लोग? क्या आपके Max Pro M1 में दिसंबर का अपडेट आ चुका है? अगर नहीं तो डोंट वरी, बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हो तब भी आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। अगर आप कस्टम रॉम में हो जब भी आपको फ्लैशेबल जिप मिल जाएगा, और अगर आप स्टॉक रॉम में हो तब भी OTA मैनुअली फ्लैश कर सकते हो। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, ये अपडेट ऑसम है और मुझे अभी तक कोई भी बग्स देखने को नहीं मिला, ना बैटरी ड्रेन, ना हीटिंग इशू और ना ही किसी किस्म का कोई भी लैग्स। मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस भी अभी सॉलिड था, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। गाइस, अगर आप फिर भी कोई बग्स या कोई प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हो अपने डिवाइस में और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो बैटरी को लेकर, तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा यार, एक बार कष्ट कर लो, अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर लो, फुल चार्ज करो, फिर ट्राई करो। गाइस, मुझे एक दिन से ज़्यादा हो चुका है इस नए अपडेट के बाद Max Pro M1 के साथ, और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ टोटली ऑसम लगा मुझे इस अपडेट के बाद। गाइस, मैंने तीन चीज़ें टेस्ट की, कैमरा, बैटरी एंड ऑडियो वाया हेडफोन। चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँगा। आधे से ज़्यादा Max Pro M1 के यूजर्स बैटरी लाइफ को लेकर काफ़ी झेल रहे थे और ये बग लास्ट कुछ अपडेट्स के बाद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। गाइस, अब मुझे ऐसा लगता है Asus ने ये बग फिक्स कर दिया है। रात भर में तकरीबन 7-8 घंटों में मुझे 3% बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। 15 घंटे हो गए लास्ट फुल चार्ज किया था डिवाइस को, और 60% बैटरी अब भी लेफ्ट है। स्क्रीन ऑन टाइम मिला मुझे अब तक टोटल 4 घंटे, यानी 15 से 20 घंटे और मेरा डिवाइस चल सकता है, और टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल सकता है 8 से 9 घंटे। ये मैं अपने रेशियो से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। गाइस, स्क्रीन ऑन टाइम आपका डिफर कर सकता है, आप फ़ोन को कैसे यूज़ करोगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप यूट्यूब ज़्यादा देखोगे तो आपका स्क्रीन ऑन टाइम मेरे से ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा यूजेज पैटर्न। पबजी मैंने 1 घंटे 15 मिनट खेला, 14% बैटरी ड्रॉप मिला। यूट्यूब 45 मिनट, 4% बैटरी ड्रॉप मिला। फेसबुक 9 मिनट, 2% बैटरी ड्रॉप। एंड इंस्टाग्राम 17 मिनट में केवल 2%, यानी 4 घंटों में 2 घंटे 30 मिनट इन चीज़ों में चला गया। इसके अलावा इस मैंने बेंचमार्क टेस्ट भी किया था। इन शॉर्ट, टोटल मिला के बैटरी लाइफ एक्सेलेंट है, ना कोई हीटिंग इशू, ना बैटरी ड्रेनिंग इशू, ना आइडल मोड में बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को मिला। 3% 7 से 8 घंटों में। गाइज, नेक्स्ट, म्यूजिक वाया हेडफोन्स। सस्ता वाला हेडफोन यूज़ किया मैंने, 250 रुपये का। 60% से ज़्यादा मुझे लाउड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 60% वॉल्यूम मेरे लिए इनफ था। क्वालिटी के बारे में मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुना, और वॉल्यूम के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली लाउडर है, यानी पहले से आपको बेहतर लगेगा। अब कुछ वीडियो सैंपल्स, स्पेशली इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद। गाइस, 1080p वीडियो की क्वालिटी के बारे में लास्ट टाइम सबने कंप्लेन किया था कि इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद वीडियो की क्वालिटी जो है वो लो लगती है, तो इस बार मैंने विद एंड विदाउट दोनों रिकॉर्ड किया है। फिर से आप चेक करके बताओ कि क्या अब भी आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है, यानी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद अब भी आपको क्वालिटी लो लग रही है। एंड साथ में मैंने 4K वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता। एंड यस गाइस, मैंने फ्रंट कैमरे से भी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके कुछ सैंपल्स लिया है।
आज थोड़ा टाइम मेरे पास कम था, इसलिए मैं ज्यादा सैंपल्स ज्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। वैसे फोकस भी मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। इस फ़ोन के परफॉर्मेंस से मुझे पहले भी कोई कंप्लेन नहीं था, अब भी कोई कंप्लेन नहीं है। रैम मैनेजमेंट भी एक्सेलेंट है, ओवरऑल फ़ोन का स्मूथनेस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोई इशू मुझे अब तक देखने को नहीं मिला। 1 घंटे 15 मिनट में मैं शायद 2 बार पबजी खेला और दोनों बार मैंने चिकन डिनर किया। यानी गेमिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पबजी का, और गेमिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि लैग्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स इतने माइनर है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली एम करने में, जिसके वजह से मैं आज विनर बना। Thank you.
इस इतने कम समय में मैं कोई बग्स नहीं देख पाया, हो सकता है कोई बग्स हो जिसे मैंने ओवरलुक कर दिया हो, तो आप प्लीज़ कोई भी बग्स या कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो तो सबके साथ शेयर करना, अगर हो सकेगा तो हम उसके बारे में कोई सोल्यूशन देखेंगे या अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, यह फ्री है और अगले साल भी फ्री रहेगा और उसके आने वाले सालों में भी ये फ्री रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।